निर्मित सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेज पुणे वी लर्न इंग्लिश आओ अंग्रेजी सीखें। पाठ 19 कभी कभी पाठशाला में एक अनोखा ही मेहमान आता है कौन हो सकता है सुनो <coop> इए, अरे अरे ये क्या हो रहा है किसका कुत्ता है ये टीचर जी मंगला का कुत्ता है इसका नाम कल्लू है वाह वा, बहुत अच्छे पर उसे आप बाहर निकालो बैठने दीजिए ना टीचर जी वो कुछ नहीं करता नहीं नहीं बच्चों ये सही नहीं है अब आ ही गया है तो उसे बाहर बैठने दो मंगला चलो उसे बाहर ले जाओ और दरवाजा बंद करो शट द डोर शट द डोर मतलब <laughs> संतोष तुझे ये तो जरूर समझ में आ गया होगा कि डोर मतलब दरवाजा है हाँ डोर मतलब दरवाजा तो फिर बताओ सब बताओ बल्कि शट द डोर का मतलब क्या दरवाजा बंद करो राइट गुड तो फिर शट विंडो मतलब तुम बताओ बंद बन करो एकदम सही चलो अब सब काम में जुट जाओ सुनीता दीदी आप अंग्रेजी में बोलिए ठीक है क्या हम अंग्रेजी में कुत्ते के बारे में बोले सही है कुत्ता डॉग हुज डॉग इज दिस किसका कुत्ता है ये हुज डॉग इज दिस दिस इज मंगलाज डॉग दिस इज माई डॉग यस दिस इज हर डॉग सुनीता दीदी मंगला वॉट इज योर डॉग नेम हिज नेम इज कल्लू आई ऑल्सो है डॉग यस यस अमित के पास भी कुत्ता है ही हैज अड मेरे पास एक बिल्ली है आई हैव अट यस चांदनी के पास बिल्ली है शी हैज अट और किस किस के पास बिल्ली है सुनीता दीदी कल्लू नोज इंग्लिश क्या <laughs> <laughs> रंजना चलो मजाक मत करो नहीं सच टीचर जी देखिए वॉट इज योर नेम देखिए वो बोला कल्लू कल्लू हाउ ओल्ड आर यू देखिए उसने कहा थ्री कल्लुआ हाउ मेनी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स डू यू हैव आज के पाठ में सुने हुए कुछ नए अंग्रेजी शब्द और वाक्य अब आप दोबारा सुन पाएंगे ध्यान से सुनिएगा हम बहुत धीरे धीरे बोलेंगे टीचर जी आप इन वाक्यों को नोटबुक में लिख लेंगे ना, ताकि अगले भाग में बच्चों से अभ्यास कराने में आपको सुविधा रहे हूज बुक इज दिस दिस इज My book. This is his book. Whose pen is this? This is my pen. This is her pen. Do you have a ruler. yes, i do. do you have a sharpener? no, i don't. <laughs> Sunne wale dosto, ab आपकी बारी है स्कूल में या घर में आप जहाँ भी हो मेरे कहे अनुसार ही बोलिएगा बिना किसी शर्म के बिना किसी डर के इसी तरह बोलते बोलते आपकी अंग्रेजी सुधर समझ जाएगी आज हम अपनी और दूसरों की चीजों से जुड़े प्रश्न और उनके उत्तर का अभ्यास करेंगे जब घंटी बजेगी तब टीचर जी दो बच्चों को खड़ा करेंगे एक बच्चा अपने बस्ते से एक पुस्तक निकालकर अपने पास रख ले दो बच्चे तैयार एक के पास पुस्तक है ना? तो आगे सुनो जिसके पास पुस्तक नहीं है वो प्रश्न पूछे ये किसकी पुस्तक है पर प्रश्न अंग्रेजी में पूछना है हु? दूसरा उत्तर दे ये मेरी पुस्तक है उत्तर भी अंग्रेजी में होना चाहिए समझ गए ना बुक इज दिस ऐसा ही प्रश्न पूछा ना और ऐसा उत्तर दिया दिस इज माय बुक गुड अब टीचर जी कोई और दो बच्चों को चुनेंगे एक बच्चा अपने पास एक बही या नोटबुक रख ले दो बच्चे तैयार जिसके पास बही नहीं है वो प्रश्न अंग्रेजी में पूछे ये किसकी बही है और दूसरा अंग्रेजी में उत्तर दे ये मेरी बही है बही को अंग्रेजी में नोटबुक कहते हैं चलो प्रश्न उत्तर शुरू करो सही बोला ना हुज नोटबुक इज दिस This is my notebook. Good. अब टीचर जी कोई और दो बच्चों को चुनेंगे दो बच्चे तैयार एक बच्चा अपनी कक्षा में से किसी की कोई भी एक चीज ले ले वो चीज किसकी है ये अंग्रेजी में पूछना है जैसे हु दिस या फिर हूज चप्पल इज दिस दूसरा बच्चा अंग्रेजी में उत्तर दे उत्तर देने में माय या हिज या हर इन शब्दों में से सही शब्द इस्तेमाल करना है शुरू करो अब एक अलग तरीके से अभ्यास करेंगे घंटी बजेगी तब टीचर जी किसी एक लड़की या लड़के को खड़ा करेंगे वो बच्चा अपनी एक पुस्तक हाथ में पकड़ ले पुस्तक लेकर कोई एक बच्चा खड़ा है अब मेरा प्रश्न तुम सब ध्यान से सुनना और एक साथ उत्तर देना हु इज दिस यदि पुस्तक किसी लड़के की हो तो बाकी सब बच्चे उत्तर दे दिस इज हिज बुक और लड़की की पुस्तक हो तो कहना है दिस इज book चलो अब एक साथ मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो Whose book इज दिस दिस इज हिज बुक या दिस इज हर बुक ऐसा सबने उत्तर दिया ना गड अब कोई और बच्चा पुस्तक लेकर खड़ा हो मेरा प्रश्न ध्यान से सुनो और फिर सब मिलकर अंग्रेजी में उत्तर दो हूज बुक इज दिस अब एक और तरीके से अभ्यास करते हैं ठीक है मैं किसी एक लड़की या लड़के से पूछूंगी डू यू हैव अ शापनर या डू यू हैव रूलर फिर वो बच्चा अपने बस्ते में देखे यदि वो वस्तु उसके पास है तो वो उसे सबको दिखाए और बोले यस आई डू यदि वो वस्तु उसके पास नहीं है तो बोले नो आई डोंट समझ गए ना जब घंटी बजेगी तब टीचर जी किसी एक बच्चे को खड़ा करवाएंगे प्रश्न सुनो और अंग्रेजी में उत्तर दो डू यू हैव अ रूलर तुम्हारे पास पटरी है या नहीं ये बताया क्या अब दूसरा कोई बच्चा तैयार हो जाए प्रश्न सुनो और अंग्रेजी में उत्तर दो डू यू हैव अ शार्पनर छिलनी है या नहीं वो बताया ना गुड ये पार्ट खत्म होने के बाद टीचर जी आगे का अभ्यास करवाएंगे ही पर उससे पहले एक गाना जो तुमने सीखा है उसे फिर सुनते हैं टू नाइन थ्री फॉर फाइव थ्री फॉर फाइव थ्री फॉर फाइव सिक्स एंड फाइव नाइन एट नाइन थ्री टू थाउज इलेवन एंड ट्वेल्व 19, 20, you'd like to count with me. आगे के पंद्रह मिनट में टीचर जी बाकी बच्चों से अभ्यास कराएंगे हुज रूलर इज दिस ऐसे प्रश्न पूछने हैं और उत्तर ऐसे देने हैं दिस इज माई रूलर या दिस इज हिज रूलर या दिस इज हूलर फिर टीचर जी इस तरह से सवाल पूछेंगे डू यू हैव अ रूलर और तुम इस तरह से उत्तर दोगे यस आई डू या फिर नो आई डोंट जो सही हो वही अलग अलग चीजों को लेकर यह अभ्यास करना है आज का पाठ यही समाप्त हुआ तो अब हम मिलेंगे कब अगले पाठ का समय होगा जब